नमस्कार, मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी और मैक्स टेलीविजन 2। और 4-5 दिनों से जो चल रहा था उसके पूरे जो अभी तक जो निकला है आपको टुकड़े में बताएंगे क्या क्या हुआ है इस दौरान। हर एक वीडियो में सारा चीज, 5 दिन का, 6 दिन का जो घटना, जो वाकया घटी है, वो सारा चीज आपको पता चल जाएगा। तो पीछे से नहीं, ताज़ा शुरू करते हैं, फिर पीछे की तरफ जाते हैं। पहला जो है, जो कल से, येस्टरडे लेट नाइट से जो बवाल मचा हुआ है, वो है केएल राहुल और जस्टिन लैंगर के बीच का जो बातचीत प्राइवेटली हुआ था, उसको सामने लाके जस्टिन लैंगर ने खड़ा कर दिया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, मैथुन चौधरी को भी कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा वक्त लेता हूँ, फटाक से मैं वीडियो नहीं करता, कुछ नहीं बताता। मुझे जब विश्वास हो जाता है कि क्या घटनाएं घट रही है, उसके बाद में मेरे पास में जब कॉन्फिडेंस होता है, तभी मैं किसी का ऊपर में वीडियो बनाता हूँ। तो जस्टिन लैंगर ने एक बॉम्ब शेल फेंका और इसमें केएल राहुल फंस गए, क्योंकि जैसे कि राहुल द्रविड़ का कोचिंग टेन्योर ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद में इंडिया को हेड कोच चाहिए। और बीसीसीआई ने एक प्रेस रिलीज करके बता भी दिया, 27 तारीख के अंदर में जो चाहते हैं इसमें इंडिया को हेड कोच बनने के लिए, वो अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। सारा चीज़ वो उसमें डाला हुआ है, उसको फॉर्म फिलअप करके उसके बाद में वो सारा चीज़ देंगे, अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद में उन लोगों को बारीकी से बुलाया जाएगा और इंटरव्यू लिया जाएगा। CAC में इंटरव्यू होगा, जो अशोक मल्होत्रा उसमें है, उसमें और जो दो हैं, तीनों आदमी के CAC जो होगा उसमें जो है, ये सारा चीज़ होगा। उसके बाद में हेड कोच हम लोगों को मिलेंगे अगले 3 साल 7 महीने के लिए, अर्थात यानी करीब समझ लीजिए कि 2027 के वर्ल्ड कप तक ये हेड कोच जो अभी बनेंगे वो रहने के लिए जाए, वो रहेंगे। लेकिन जस्टिन लैंगर ने एक बात ऐसे कह दिया जिसमें केएल राहुल फंस गए, और केएल राहुल कहे कि नहीं कहे वो पता नहीं, लेकिन जस्टिन लैंगर को क्या प्राइवेट में बातचीत हुआ, जो जस्टिन लैंगर ने कहा कि मैं ऐसे ही बात कर रहा था केएल राहुल से, तो केएल राहुल ने मुझे सलाह दिया कि आप IPL का फ्रेंचाइज का कोचिंग में जो प्रेशर होता है, जो पॉलिटिक्स होता है, इससे 1000 times ज़्यादा जो है वो इंडिया टीम का कोच होने के लिए होता है। अगर इंडिया टीम का आप हेड कोच बनते हो तो इसको सारा ये जो पॉलिटिक्स है, जो सारा कुछ है, वो 1000 गुना ज़्यादा होगा देन द फ्रेंचाइजी क्रिकेट। पहला नंबर, एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को जस्टिन लैंगर ने लीक कर दिया। दूसरा, केएल राहुल इसमें फंस गए, और केएल राहुल क्या बोले और किस तरीके से उसका रिफ्लेक्ट हुआ जस्टिन लैंगर के मुंह से, ये तो पता नहीं, क्योंकि केएल राहुल अभी ऑफिशियली कुछ बोला नहीं है। तो इसलिए जस्टिन लैंगर नहीं होना चाहते भारत का कोच, क्योंकि भारत के टीम में 1000 times प्रेशर होगा और उसमें पॉलिटिक्स भी है। तो इसमें पॉलिटिक्स भी जोड़ दिया गया, और किस तरीके का पॉलिटिक्स है, क्या है, नहीं है, पता नहीं, वो केएल राहुल को पता है। केएल राहुल का जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा तभी आप लोगों को मैं बताऊंगा, उसके पहले नहीं बताऊंगा, कोई स्पेकुलेशन करके मैं कुछ नहीं बताता। तो ये बहुत बड़ी खबर है कोच के लिहाज से, जो बॉम्बशेल जो फेंका है जस्टिन लैंगर ने। तो जस्टिन लैंगर कोच नहीं हो रहे, ये बात एकदम तय है, जस्टिन लैंगर फ्रेंचाइजी क्रिकेट से जुड़ा हुआ रहेंगे। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर
मैक्स टीवी और मैक्स टेलीविजन 2 को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके केएल राहुल और जस्टिन लंगर बीच में क्या हुआ, बीसीसीआई क्या करता है, ये सारा वाकया जब केएल राहुल का ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा उसके बाद में कौन सही है कौन गलत है उसको लेकर के आगे वीडियो रखेंगे। लेकिन उसके पहले अभी इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।